Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. किसको गिरफ्तार किसको करना है? किस किस का नाम है FIR में? चंदा, उसका माँ हुस्ना, उसका बाप आजम और उसका भाई इरशाद, इन सब का नाम है FIR में। तू इतनी परेशान क्या? बताना क्या? बोल। अबू भाई, दरवाजे पे पुलिस आई है। क्या कहा? हमारे हमारे दरवाजे पुलिस आई? हाँ अबू। क्या खबर है? सर, जैसा आपने कहा था वैसा हमने कर दिया। साफ साफ बताओ। सर, आजम को लेकर आ गए हम। अच्छा किया, बल्कि बहुत अच्छा किया है। कोई गड़बड़ तो नहीं की बड़े मियां ने? सर, गड़बड़ तो नहीं की, लेकिन गिड़गड़ा रहा था, कह रहा था मैंने कुछ नहीं किया। उसकी गली के लोगों ने तो देखा होगा। सर, कुछ खवातीन थी जिन्होंने देखा है। तुमने उन्हें बता दिया ना कि बच्ची को अगवा किसी ने किया है? सर, कह तो दिया है, लेकिन कसमें खा रहा था, कह रहा था कि ऐसा वैसा मैंने कुछ नहीं किया, और उसकी फैमिली भी यही है। तुम ऐसा करना, उसे उसकी फैमिली से अलग रखना, ताकि झूठ सच बनकर उसके मुंह से निकल आए। ठीक है सर, जैसा आपका हुक्म। ठीक है, अब तुम जाओ, जैसा कहा है वैसे ही करो। ओके सर। मैं बेगुनाह हूं, मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा, तो ये सारा कुछ फिर मैंने किया? ए चंदा, तुम चलो, साहब ने बुलाया तुम्हें। क्या काकड़ आया? मुझे कुछ नहीं पता, साहब ने बुलाया, बस चलो। आप परेशान ना हो। नहीं, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें बहुत डर लग रहा है चंदा, हमें बहुत डर लग रहा है। आप परेशान मत हो, इससे बुरा और क्या हो सकता है कि हम घर से जेल में आ गए। बातें करती रहोगी या चलोगी भी? चलो, साहब ज्यादा इंतजार नहीं करता। मैं देखती हूँ। अभी तक चंदा नहीं आई, पता नहीं कहां रह गई। बीबी, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। जी। आपकी नवासी का क्या नाम है? क्यों? नाम तो बताइए। चिड़िया। चिड़िया? क्यों क्यों ऑफिसर साहब, कुछ पता चला है क्या? नहीं, सब ठीक है। पहले मुझे शक था कि आपने बयान में अपनी नवासी का नाम नहीं लिखवाया था।
फोन नहीं है, हैरत है। आजकल तो फकीरों के पास भी फोन होते हैं। सही कहा, फकीरों के पास फोन होते हैं क्योंकि वो लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं। हम गरीब हैं, फकीर नहीं। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही बेटी। तुम्हारी माँ को बरसों से देख रहे हैं, लोगों के घरों में काम करके तुम सबको पाला है, मगर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। ये बात तो है। कुछ खाया माला तुमने? नहीं, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा खाने को। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ। सलीम के अब्बू आ गए होंगे, उन्हें खाना देना है। तुम तो हो ना यहाँ पे? हाँ, अभी कुछ देर तो यहीं हूँ। इसके घर वाले आ जाएं तो चली जाऊंगी। घबराओ मत माला, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अभी बिल्कुल नहीं घबराने का चंदा बहन, काकड़ भाई ने पेमेंट भेजा है, देखो पूरा 2 लाख रुपया है। फिर हमें इसमें क्यों बंद करके रखा है? हमें इससे बाहर निकालो ना भैया, इससे बाहर निकालो। बस अम्मा जी, अभी थोड़ा देर रुको, वो इंस्पेक्टर आ जाए ना, फिर हम आपको इज्जत के साथ घर लेके जाएगा। अल्लाह तेरा लाख शुक्र है। सच कहते हैं लोग, जब मुश्किल में कोई अपना काम नहीं आता ना, तो अल्लाह किसी को रहमत का फरिश्ता बनाकर भेज देता है मदद करने के लिए। काकर ने हमको ऐसे ही मां नहीं कहा, उसने बेटा बनने का हक अदा किया है। इसका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अम्मी ठीक कह रही हैं, काकर ने जो हम पे एहसान किया है हम कभी भी नहीं चुका सकते। उतर जाएगा एहसान, हम बताएगा कैसे उतरेगा एहसान, तुम फिकर ना करो। अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे बेटा, खुश रहो। तुम्हें और काकड़ को अल्लाह बहुत दे। तुम्हें अल्लाह मियां लंबी जिंदगी दे, तुम्हारी रोजी में रब बरकत दे। तुम लोगों ने हम गरीबों की मदद करके हमारे पे बहुत बड़ा एहसान किया है। हमें इस मुश्किल में काम आए हो तुम लोग, हमें इस मुसीबत से निजात दिलाई है। तुम लोगों ने हम पर बहुत एहसान किया है। अल्लाह तुम लोगों को हर मुश्किल से बचाए। परवरदिगार तुम लोगों को बहुत दे, तुम्हारे रोजगार में बरकत दे। अल्लाह तुम लोगों को सलामत रखे, तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करे। परवरदिगार ऐसे लोगों को रहमत का फरिश्ता बना के दुनिया में भेजता है। जब कोई अपना नहीं होता तो अल्लाह किसी न किसी इंसान को फरिश्ते के रूप में भेज देता है। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत एहसान है बेटा, बहुत एहसान है। काकर भाई के साथ गए हैं वो लोग, शादी साथ गया। अब तो बहुत देर हो गई, अब तक आ जाना चाहिए था इन लोगों को। काकर? काकर कौन? वो होटल वाला? जी, बहुत अच्छे इंसान है। या खुदा, उसके चक्कर में कहाँ पड़ गए तुम लोग? वो इंसान कहाँ है? शैतान है, शैतान। क्या मतलब शैतान है? वो तो बहुत खबीस है, कमीना है, हराम खाता है, लोगों को सूद पे पैसा देता है, फिर इन्हें जकड़ लेता है अपने सिकंजे में। वो इंसान नहीं है, मकड़ी है, मकड़ी सूद चढ़ाता है सब। जब लोग इसके सूद का पैसा नहीं दे पाते तो औकात दिखाता है, जलील करता है लोगों को और गंदी गंदी गालियां भी देता है और इनके घरों पे कब्जा कर लेता है। आपकी बात पर यकीन नहीं आ रहा खाला, इन्होंने तो हमारी बहुत मदद की है। इरशाद को इन्होंने अपने होटल पे रखा, जब उसे पुलिस पकड़ के ले गई तो इन्होंने तो छड़वाया था। अजीब बात है, इसके बारे में तो बहुत गलत बातें सुनी हैं। इस महल्ले में 10-12 मकान पर इसी का कब्जा है, सूद पे पैसे देता है, पैसे वापस ना मिले तो कब्जा कर लेता है। अब घर वाले अपने ही घरों में किराए पे रहते हैं। 50,000 दिए थे इन्होंने पुलिस को, चिड़िया को ढूंढने में भी दिन रात कर रहे हैं, वही तो हमारे मोहसिन और हमदर्द हैं। अब उसके बारे में तो यही मशहूर है,
बुरे वक्त में लोगों का साथ देता है और फिर सबसे बुरा इंसान बन के उनके सामने खड़ा हो जाता है। इंसान के हालात खराब हों तो अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। इंसान जिसको अच्छा समझ रहा हो वही बुरा निकलता है, और जो हमें टेढ़े लग रहे होते हैं वो आड़े वक्त में भी काम आते हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि इंसान को पहचाना कैसे जाए कि वो अच्छा है या बुरा। जिसे आप बुरा कह रही हैं मुझे यकीन नहीं आता कि वो इतना बुरा हो सकता है। ऐसी बात है तो उसको फोन करो, उसे बताओ कि तुम्हारे अब्बू को पुलिस ले गई है। अगर उस पे भरोसा है तो बुलाओ उसे। तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं है। फोन तो है मेरे पास लेकिन इनका नंबर नहीं है। बज्जू अम्मी और इरशाद इन्हीं के साथ गए हैं जी। नंबर तो मिल जाएगा, मैं किसी बच्चे को इसके होटल पे भेजती हूँ, नंबर मंगवाती हूँ इसका। हाँ खाला, तुम काकर भाई का नंबर मंगवा दो। पता नहीं ये लोग चिड़िया को कहाँ कहाँ ढूंढते फिर रहे होंगे। मैं बज्जू और अम्मी को बताऊँ तो सही कि अबू के साथ क्या हुआ है। तुम बैठो, मैं अपने बेटे को भेज के नंबर मंगवाती। अरे वाह, बड़ी जल्दी चाय ले आए। हाँ, जब तुम बाहर पानी लेने गए थे तो मैंने चाय का पानी चढ़ा दिया था। क्या बात, क्या बात, आओ ना बैठो ना। नहीं अहमद, इस वक्त मेरा बैठने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। काकर को फोन मिलाती हूँ, उसे पूछती हूँ कि वो लोग कहाँ रह गए हैं। इतनी देर हो गई उनको गए हुए अहमद, और बच्चों और अम्मी वगैरह को तो ये भी नहीं पता कि अबू को पुलिस ले गई। अच्छा एक सेकंड, ये काकड़ का नंबर मिला दिए। तुम्हारे फोन में बैलेंस नहीं है। ओ, मैं अभी बैलेंस मिलवा के आता हूँ। नहीं नहीं रहने दो, मैं अंदर से अपना फोन लेके आओ। चाय तो अच्छी बना। नंबर देना काकर का। हाँ तो चाय बड़ी अच्छी बनाई थी। हेलो काकड़ भाई। जी काकड़ भाई, आप लोग कहाँ रह गए हैं? आपको गए हुए बहुत देर हो गई है, सब ठीक तो है ना? दरअसल काकड़ भाई, यहाँ घर पे भी एक और बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। अब्बू को पुलिस ले गई है। आप मेरी अम्मी या बच्चों से बात करा देंगे क्या? कैसे परेशान ना हूँ काकर भाई, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती तो दूसरी सर उठा लेती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं घर पे बिल्कुल अकेली हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। खैर, जैसे ही अम्मी और बर्जो को फुर्सत मिले आप मेरी उनसे बात करा दीजिएगा। जी जी शुक्रिया। क्या कहा काकर ने? मुझे कुछ समझ नहीं आई, लग रहा है जैसे बहाने बना रहे हैं। मुमकिन है, लेकिन तुमने तो कहा था कि वो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज कराने गए। ये भी हो सकता है ना कि बयान लिखवा रहे हो। हाँ लेकिन अगर वो थाने में तो उनको तो पता लग गया होगा कि अबू को पुलिस लेके गई है। अबू भी तो उसी पुलिस स्टेशन गए होंगे ना। हाँ ये तो हो सकता है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि किसी और थाने की पुलिस। वो कहा नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही हमारे साथ
क्या हो रहा है? जिंदगी हम लोगों के साथ कौन सा खेल खेल रही है? पहले हमारी मासूम सी चिड़िया अगवा हो गई, उसका कुछ पता नहीं चल रहा, और अब अब्बू को पुलिस ले गई। अहमद, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम लोग किस मुसीबत में फंस गए। देखो माला, जिंदगी मौसमों की तरह होती है, कभी बहार है तो कभी खिजा, और हर खिजा के बाद एक बार फिर बहार आती। तुम फिक्र मत करो, हौसला करो, सब ठीक हो जाए। और अगर ठीक ना हुआ तो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम इस वक्त सारी परेशानियों को भूल जाओ। माला, ये परेशानियां तो सारी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ती, तुम इस वक्त सिर्फ अपने और मेरे बारे में सोचो। तुम्हारे बारे में और अपने बारे में? हाँ देखो, हम छुप छुप के मिलते हैं, चोरी चोरी प्यार करते हैं, हमें ठीक से मिलने का मौका तक नहीं मिलता, कुदरत ही ऐसे मौके फराम करती। मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? देखो माला, मैं ये कह रहा हूँ कि कुदरत ने हमें अकेले मिलने का मौका दिया, इस वक्त घर पे कोई भी नहीं, हम अकेले। इससे ये होता है पगली कि हम एक दूसरे से दिल की बात कर सकते, एक दूसरे का हाथ थाम कर आंखों में झांक सकते, एक दूसरे से गले लग सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। कोई नहीं है हमें यहाँ देखने, कोई नहीं है हमें यहाँ रोकने। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? चलो भाई, तुम लोगों का बुरा वक्त खत्म हो गया है, चलो शावर जल्दी करो, बाहर आओ। पर हमारे अब्बू, वो उनको तो छुड़ा, उनको भी छोड़ देंगे, पहले आप तो बाहर आए। शुक्र है अल्लाह तेरा, शुक्र है मेरे अल्लाह। तुम इतनी खूबसूरत हो माला, इतनी खूबसूरत के बड़े बड़े आबिद भी इबादत भूल कड़बड़ा कर रहे थे। अपना हाथ दिखाओ। सब सोचना नहीं। अच्छा, तुम्हारे घर वाले तो नहीं? नहीं, मेरी अभी तो बात हुई थी काकर भाई से। हाँ, इतनी दूर से इतनी जल्दी कैसे आ सकते? तो फिर कौन आया इस वक्त? पता नहीं, जो भी है तुम्हारे घर वाले नहीं हो सकते। अच्छा एक काम करते हैं, मैं पिछली बार की तरह अंदर जाके छुपता हूँ, तुम देखो कौन। जाओ। काकड़ भाई, आप? हाँ। इरशाद, अम्मी, बजो, सब कहाँ हैं? वो तो उधर थाने में रिपोर्ट लगवा रहे। पुलिस तो अब्बू को भी ले गई है। हाँ, तुमने बताया था ना, उसी थाने में। तो आप अकेले क्यों आ गए? सबको साथ क्यों नहीं लाए? वो वहाँ क्यों रुक गए? वो उधर रिपोर्ट लिखा जा रहा है, इसीलिए उधर रुक गया। मैं तुम्हारा अबू का, चंदा का, उनका शनाख्ती कार्ड लेने आया, वो जरा ले आओ। शनाख्ती कार्ड? वो तो अंदर है, ढूंढना पड़ेगा। वो चलो जरा जल्दी जाओ, लेकर आओ ना। आप यही रुके, मैं अभी लेके आती हूँ। अच्छा ठीक। नीचे छुप जाओ। किसकी बात थी, कौन है? ककड़ा है।
काकड़ क्या लेने आ गया? क्या भी आ गया अपनी चाय बेच? नहीं गरीब बच्चों, भैया सब थाने में उनके शिनाख्ती कार्ड लिया है, पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने। जल्दी करो, जल्दी करो, देर हो रहा है। आ रही हूँ, आ रही हूँ। एक ऐसा है तुम, एक खुदा कसम, और मैंने सोचा है कि तू डर जाएगा, छोटा सा तू इसलिए अंदर आ गया। नहीं नहीं डरता, क्यों डर लगेगा मुझे? क्यों नहीं लगता तेरे को डर? अकेला नहीं तो कौन है यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काकड़ भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं माला की आवाज सुनकर आया हूँ। खूब बचा, खूब बंद दरवाजे से किस तरह अंदर आ गया? अहमद, अहमद इसे छोड़ना नहीं, इसने मुझसे बहुत गलत बातें की हैं।